यहाँ पर एक सवाल है अपने सामने जिसमें LHS क्या है बताएं जरा मुस्कान। cot square a माइनस tan square, इसको पहले आप लिखिए cot a प्लस tan a, समझ रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, cot a प्लस tan a इंटू cot a प्लस tan a, ओके cos a अपॉन sin a, सही है। इसको अभी अपन देख लेते हैं कुछ, मैं ना एक एक करके कर रहे हैं आराम से, शांत दिमाग में टेंशन नहीं फालतू की। कॉस लघुत्तम लेके बोलना पड़ता, आवाज नहीं आती। अब ये ऊपर वाला तो बन गया लेकिन नीचे वाला नहीं बन रहा है, किसने बताया ये? अरे तुम लोगों को ही पता ही है, अब हो गया यार, दो का गुणा दो का भाग। ये फायदा होता था सवाल करने से, कहीं ना कहीं अपन को आने लगता है यार ऐसे कर सकते, लेकिन टाइम लगता है। टू साइन ए कॉस ए साइन टू, टू कॉस टू ए। आप जितने सवाल करेंगे बेटा उतना को फायदा पहुंचेगा, समझ रहे हो? करते 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 आने ही लगता है अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं तो। फिर आपको लोग देखें, जब आप बड़े होंगे नौकरी के लिए पढ़ रहे होंगे तो लोग आप बोलेंगे अरे वो तो बहुत होशियार है, वो तो बहुत होशियार है, सवाल देखते ही कर लेता, नया सवाल तो भी करने लगता है। अब उसको क्या पता है कितनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। कोई ऐसा पैदाइश होशियार नहीं होता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल देखे वो चालू हो जाए, वो शायद कर भी ले, उसने बहुत प्रैक्टिस करी होगी। हमें से दुगनी प्रैक्टिस भी करा देते, समय की दिक्कत रहती है, और आपके पास बहुत समय है घर पर तो आप पढ़ें, अपने आप को डेवलप करें, सही है। साइन ए कॉस ए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या आ गया, एक आ गया, लेकिन नीचे फॉर्मूला बन नहीं रहा तो क्या किया जाए फिर? सही है, दो साइन टू ए। अब देखो श्रुति, दो दूनी कॉस टू ए बटे साइन टू ए और बना पॉन साइन टू ए, हेंस मिला लो। प्रूव करना है वन प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस टू द पावर फोर थीटा प्लस साइन। आप देखने में कितना खतरनाक लग रहा है कि है बहुत सारा, बताओ LHS लेंगे RHS लेंगे? सही पकड़े, वन प्लस कॉस, ऐसा लिख सकते हैं। वन को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते? रुक जाओ, नहीं नहीं अब तो फिर पूरा करेंगे, सही है। वन को लिख लो वन का स्क्वायर और इसको लिख लो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वन को वन का स्क्वायर नहीं लिख सकते? अब ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, समझे कि नहीं? चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। चलो बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, समझे? ए का मान क्या है फिर से बोलो, ए का मान बोलो क्या है, ए का मान, बी का मान क्या है? समझे बेटा, ये पढ़ो क्या लिखा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस के, कॉस की घात चार साइन की घात चार, कॉस की घात चार साइन की घात चार, कॉस की घात चार कॉस की घात चार, दो कॉस की घात चार साइन की घात दो साइन की घात चार, दो कॉमन ले लो, हेंस बताओ ऐसे किया है। स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? ये आ गया कॉस की घात चार थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, एक साइन स्क्वायर बच गया और यहाँ क्या बच गया कॉस स्क्वायर, समझ में आया? नहीं आया, नहीं आन दो, एक स्टेप बढ़ा दे रहे, साइन की घात चार खुश होना क्या है, एक स्टेप ही बढ़ना है। चलो बेटा कॉस की घात चार, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब अगर इसका मान बताना पड़े खुशू तो फिर बात ही अलग है, क्या होता है इसका मान, कॉस की घात चार थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, समझ आया बच्चों? अब अपन इस पूरे सवाल को काय में चेंज करेंगे, याद कॉस में
इसको लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया आदित्य भाई को कि नहीं आया? अब बेटा कॉस टू थीटा चाहिए अपन को, चार नहीं चाहिए, चार का अपन अंदर गुणा कर दे रहे, कॉस टू थीटा, चार कॉस की घात चार थीटा, समझ में आया? चार एकम चार माइनस चार। अब आया है दिमाग वाला समय जो अपने पास है नहीं, ये क्या लिखा है? सही है, सही है कि नहीं? ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हमें चाहिए माइनस टू ए बी। ऐसे कैसे लिख दिए, कहां से आ गया? दो दुनी वही का वही है, क्या बनेगा खुशबू फिर बताओ जरा, कौन बोलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये काय का सूत्र होता है वायत को पता ही नहीं है, किसको पता ये काय का सूत्र? कॉस टू थीटा का तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, और नहीं पता हो अगर ये तो फिर कॉस टू थीटा का स्क्वायर। समझ में आया? चलो बेटा गुणा कर दूं अंदर, कॉस टू थीटा हो गया कॉस क्यू टू थीटा प्लस थ्री कॉस टू थीटा। है सवाल में दम के नहीं? लिख लो बच्चों ये सवाल है, और ये बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? बस ये है कि लेंदी हो जाए थोड़ा सा। आप क्या करिए देखो, इसको इसको तीनों को जोड़ के तेरह सिद्ध करना है। अब तीनों के मान अलग अलग रहेगा, सही सलाह अभिषेक सर के द्वारा। आपको फिर सवाल ये क्या लगने लगेगा, सरल लगने लगेगा। चलो भाई सबसे पहले हम इसका मान निकाल रहे हैं, कोई देखो प्रिंसी बात तो नहीं कर रहा है क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की घात चार, इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं जो चाहे, सही है? चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा का नहीं आया सवाल, अरे यस सर तो है लेकिन हमें नहीं आया ये समझ में, इसका मान एक है और इसका मान साइन टू थीटा। ये आया समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, तो कितना छोटा लग रहा है, इतना ही सवाल सरल हो जाता है, हर अपन गलत वाले हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा अपना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, ऐसे ही टाइम पास के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस, कुल मिला के वन प्लस साइन टू थीटा। अब है मेन चीज, तीसरी चीज क्या लिखा पढ़ो जरा, अबे गूंगे हो। हम जानते ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का, सही है? ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, कर लोगे कोई भी कर ले। चलो फिर ए प्लस बी का होल क्यू थ्री ए बी क्या आ गया कॉमन, सर ये हो क्या रहा है? बस ये कुछ नहीं हो रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक सूत्र बना लिया है नया, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। आयत तो भाई एक ही जगह रखो साइन स्क्वायर थीटा, बोलो नहीं रख सकते, बी की जगह रखो कॉस स्क्वायर थीटा, रख सकते? सेम यहां कर लो बेटा, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं यहां भी रख दूंगा मान, अब घबराए नहीं, सही है? नहीं आया सर, अब रख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप शुरू से ही रखना, ये कहाँ गया, ये क्या है, इसे कहते हैं कला, क्या कहते हैं कला। अगर हम तुम्हें इसको इसका प्रसार करवाते ए क्यू प्लस बी क्यू से,
तो बहुत टाइम लगता है और आंसर घुमाऊंगा आपका, ये समझे, क्योंकि मैंने हर सवाल के लिए बड़ा टाइम दिया है, एक सवाल जो आप देखते हैं उसके लिए मैंने बड़ा टाइम दिया। देखो कितना आसान हो गया, आ गए सारे मान, एलसीएस ले लेना, क्या ले लेना, चलो मान लो थ्री, इसका मान बताओ 1 + sin² 2θ उसे यार पहले जी करने फिर जो करना लग रहा था बहुत से आने में भाई 6, इसका मान क्या है 1 + sin² θ और इसका अब ये समझ लो कोई अगर ये देखे बोले ये मान कहाँ से आ गए, कैसे बताओ, कितना इजी मान है, कितनी जल्दी कर लिया, 3 + 3 sin² 2θ 3 × 6 sin² θ 6 × 6 sin² θ 4 × 4 4 × 3 12 sin²θ cos²। अभी दिल्ली दूर है, ये क्या हो गए, आया समझ में कि नहीं, 3 × 6 9 × 4 13 अब भैया sin²θ का अपन मान रख देंगे, क्या रख देंगे बोलो रे, 2 sin θ cos θ का होल स्क्वायर, नहीं आ रहा है खुशबू को समझ में, क्या दिक्कत, नहीं रख सकते क्या, साइन टू थीटा का स्क्वायर लगा था उस 2 sin θ cos θ का होल स्क्वायर, अपना 13 तो आ ही गया है प्लस, अब थोड़ा सावधानी, स्क्वायर करना ना भूले, 2 का स्क्वायर 4 sin² cos, और अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है क्या होने वाला, बताओ, टीचोगे 12 sin² cos तो 12 कट जाएंगे, 13 बच जाएगा, और जो 13 है वो आपके सामने लिखा हुआ है cos²θ − sin²θ, इसको लिखेंगे cos²θ³ sin²θ³। अभी तो बताया था aq − bq, इतना ही सड़ा हुआ मुंह बना के बताओ जल्दी से, aq − bq a − b a² + b² + ab सही है, देखो यहाँ नहीं दादी इधर लोग आए ऊपर सर आपकी शकल देख के, cos²θ − sin²θ a − b। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनोगे क्या, देखो एक तुम्हें नॉर्मल सी बात बता रहा है, बहुत फायदे में जाओगे, सही है, सही है, सही है कि नहीं, काय का फॉर्मूला है खुशबू, ये aq − bq का, अपन इसको ऐसे ही करेंगे, ये सब छोड़ दो एडजस्टमेंट से नहीं लेना, हम जानते हैं aq − bq बराबर a − b a² + b² + ab, यहाँ इसको लेकर 2ab − ab, और ये आ गया आपका क्या सूत्र बन गया, समझ गए, अब आप a की जगह रख दो cos²θ और b की जगह रख दो sin, करते ही करते इतना दिमाग चल जाता है cos²θ − sin²θ और यहाँ cos²θ + sin²θ − cos²θ sin²θ, समझ में आया, अब बेटा ये हो गया cos²θ और ये sin²θ, LHS आ गया अपना, ये सूत्र हो गया cos²θ का, ये हो गया एक, और बस यहाँ तुम्हें ऐसा करना है, किसने कहा ऐसा करना है, 4 × 4 देखो सही है, तो cos²θ 1 का स्क्वायर 1, ये मेन स्टेप है, 4 − 2 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और कॉस का, 2 sin θ cos θ क्या होता है, sin²θ तो आएगा, स्क्वायर भी आएगा, हेंस कैसा लगा, एक बड़ा सा सवाल आपके सामने लिखा है जो बहुत ही सरल है, पर अभी यार आप देख लो, 8 cos θ − cos α cos θ + cos α cos θ − sin α cos θ + sin α बराबर सिद्ध करना है cos²θ − cos 4α, एकदम सरल सवाल है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ ध्यान नहीं देंगे तो फिर खराब लगने लगता है, ठीक है प्रिंस जी, तो इसमें अपन RHS ले लेते हैं, है ना,
दोनों ही ले सकते हैं, कोई वो नहीं है, और डिसाइड कर लेना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, राइट। तो कॉस फोर थीटा का फॉर्मूला आएगा टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन, आधा हो जाता है। टू थीटा के फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस स्क्वायर, समझ में आया। ऐसे यहाँ बता दीजिए आप, टू कॉस स्क्वायर टू अल्फा माइनस वन। जब सवाल की शुरुआत ऐसे स्टेप से हो जाती है तो अपने मन में एक उत्साह और उमंग भर जाता है कि यार ये सवाल तो हो जाएगा, जब अपना एक से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों टू क्या ले लेंगे अपन, कॉस स्क्वायर टू थीटा, कॉस स्क्वायर टू अल्फा। निश्चित ही हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो क्या आएगा बेटा, कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू अल्फा और कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू अल्फा, समझ आया बेटा। अब अपन आते थोड़ा सा बहुत सरल सवाल है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाने फिर से टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, थक गए, अरे बहुत ही सरल है रे, देखो यहाँ बताओ टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, समझ पाए। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वन, फिर वन से वन शीतल, फिर दो क्या ले लिया अपन ने, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दो दूनी चार, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस थीटा प्लस, लगा सरल कि नहीं लगा, बाकी दो टर्म आएंगे, आएंगे आएंगे, तब आएंगे जब अपना थोड़ी बुद्धिमत्ता लगाएंगे। और यहाँ पर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा बोलना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगा, ऐसा लगाएं कुछ मज़ा आए, कुछ दिमाग लगे। कहाँ पे देखिए, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और कॉस टू अल्फा का टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, इनको अपन लगाएंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, माइनस वन क्या हो गया माइनस टू, इसमें से दो क्या आ जाएगा कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और ये अपन दो यहाँ लिख देते माइनस वन माइनस वन माइनस दो, ठीक है, थोड़ा सा और अपन को ईजी लगेगा। तो यहाँ बचा माइनस वन और यहाँ बचा कॉस स्क्वायर अल्फा, समझ आया। अब देखो दो दूनी चार दूनी क्या हो गए आठ, यहाँ बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस क्या ले लेंगे कॉमन, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप आराम से बोल दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, अरे यार नहीं बोल पा रहे, हाँ भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन, और हेंस क्या हो जाएगा, है भैया सवाल में दम के नहीं, कहा भैया आदित्य है सवाल में दम के नहीं है, चलिए लिख लीजिए, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा माइनस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बराबर टू टेन टू थीटा सिद्ध करना। एक सवाल आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको सब समझ में, और एक सवाल गलत कर लीजिए सब बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, आता है कि नहीं आता, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा टेन ए प्लस अपॉन वन माइनस, बच्चों टेन पाई फोर मतलब टेन पैंतालीस और उसका मान होता है वन इंटू टेन थीटा, समझ में आया पक्का। तो ये जो मान है आपको ये बहुत याद रखना है आदित्य, ये बहुत काम में आता आगे जाके, समझ गए, बहुत नहीं मतलब बहुत ही काम में आता है आदित्य, कि टेन पाई फोर प्लस थीटा बराबर क्या होता है वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन। इस टाइप के पूरे सवाल इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि आप पे ये मान बनता है कि बस, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, समझ रहे हो कहाँ समझ रहे अच्छा इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, पर अभी हम कर नहीं रहे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा,
अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर क्या आएगा बेटा, वन माइनस टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे वन भी लिखना पड़ेगा है ना। वैसे ये तो समझदारी भरी बात है कि टेन पाई फोर का मान क्या है, वन, तो आएगा आंसर घुमा फिरा के वही। तो कई लोग तो डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं कि टेन पाई फोर थीटा माने और टेन पाई फोर प्लस थीटा माने, ठीक है। तो ये हो गए, आओ अपन अपना LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा माइनस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, क्या आएगा बेटा, वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन माइनस वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस, हो जाए भैया लघुत्तम आदित्य सर, नहीं हो जाए बताइए, वन प्लस टेन थीटा का वन माइनस टेन थीटा का वन माइनस, एक बार लिख लो, वन माइनस टेन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा, सही है बेटा, डॉक्टर की राइटिंग लग रही है कि नहीं लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा, सही है, कोष्टक लगाना ना भूलें, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा, पूछू यहाँ वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बच्चों यहाँ पे जब कोष्टक हम खोलेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा अपॉन, सही है नहीं है, सही सर, इसको ऐसा क्यों, टेन टू थीटा चाहिए अपन को, देखो कुछ क्या होता है अपने पास, वैसे अपन को आवश्यकता नहीं इसकी, रहने दो, चलो तो ये वन से वन कैंसिल, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर, टू टेन थीटा टू टेन थीटा फोर अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, इसको लिखेंगे दो इंटू दो टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। और अब बच्चों ये जो है ये फॉर्मूला है टेन टू थीटा, और हैंस क्या हो गया, समझ करना है, टेन पैंतालीस माइनस ए बराबर कॉस टू ए अपॉन वन प्लस साइन टू ए, टेन पैंतालीस माइनस ए का सूत्र तो बोल दो कम से कम, टेन पैंतालीस बोलो माइनस टेन ए वन प्लस टेन पैंतालीस टेन ए, अब बच्चों टेन पैंतालीस का मान होता है एक, होता है, अब बच्चों हम क्या करेंगे बताओ जल्दी से, पूरा सवाल काय में, साइन कॉस में, तो साइन ए अपॉन ऐसी वन प्लस साइन ए अपॉन, चलिए अब क्या करेंगे श्रुति, लघुत्तम ले लो, कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए हर का कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, अब मेरी बात सुन लेना वरना दिक्कत हो जाए, हर जगह हर का परिमेयकरण नहीं करना पड़ता, यहाँ हम करेंगे अंश का परिमेयकरण, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करते वैसे अंश का करेंगे, कैसे करेंगे, अंश में क्या लिखा कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसका चिन्ह चेंज करके अपन कॉस ए प्लस साइन, समझ में आया बच्चों को, ए माइनस बी ए प्लस बी बोलो, बोलते जाओ, और ए माइनस साइन स्क्वायर गुणा कर लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए गुणा करना सीधा, कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए, समझ में आया करण को, चलो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस टू ए, समझ आया श्रुति, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए टू साइन ए कॉस ए कॉस टू ए अपॉन वन प्लस साइन टू ए, हैंस क्या हो गया। तो पूरी आपकी जो जीत है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने हर का परिमेयकरण किया है कि, समझ गए, जैसे कि जो अगला सवाल में भी आपको काया करना है अंश का, लेकिन उसके बाद वाले सवाल में काया करना है हर का, देखो बेटा खुद से नहीं करोगे, मैं तो करा दे जाऊँगा, मुझे क्या है, कॉस टू ऊपर चाहिए तो मैंने अंश का कर दिया, नहीं चाहिए होता तो